अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साहिला टीचर, आप वापस से मुझे देख के हैरान मत होना, क्योंकि आपका अकाउंट भी मैं ही लेने वाली हूँ और स्टेट भी मैं ही लेने वाली हूँ। तो अकाउंट में ज़्यादातर हमने सभी चीज़ों के बारे में बात कर ही ली थी कि किस तरह से हम एक दूसरे के साथ सपोर्ट, एक दूसरे के कोऑपरेट से, एक दूसरे के सपोर्ट से हम पढ़ाई करेंगे। ये बातें सारी हमने कर ही ली थी। और आपको किस तरह पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन पढ़ाई करनी है 9 to 12, इंशाल्लाह 9 to 12 आपका पढ़ाई का पीरियड होगा, पढ़ाई के आवर्स होंगे, मतलब पढ़ाई के घंटे होंगे, जिसके अंदर 3, 4 या 5 पीरियड आपके चलेंगे। इंशाल्लाह 4 पीरियड तक आपके चलेंगे, 45 मिनट्स का एक पीरियड में भी हो सकता है। और उस पीरियड के दौरान जो भी वीडियो आपको दिखाई जाएगी, वो आपको स्टार्टिंग से टिल एंड तक सारे वीडियो देखना है। आपको कभी भी बीच में से वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी वीडियो होता है लास्ट तक उसमें बहुत खास इन्फॉर्मेशन होती है और बहुत खास उसके टॉपिक्स होते हैं, दाखले होते हैं। और आप 3-4 मिनट का वीडियो देखते हैं, बाकी का सब स्किप हो जाता है, बाकी का सब आप स्किप कर देते हैं। तो उसकी वजह से जो आपको आगे की जो नॉलेज, जो एजुकेशन जो मिलना, नॉलेज मिलना होता है, वो सब नहीं मिल पाता। तो मेहरबानी करके आप प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सारे वीडियो टिल एंड तक आप देखिए। और जैसा मैंने आपको अकाउंट में बताया था, मैं आपका स्टेट लेने वाली हूँ, स्टेटिस्टिक्स भी मैं ही आपका लूँगी। और सारी थी, अभी फर्स्ट चैप्टर में तो थियरी है आपकी, थियरी से पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर से हम अकाउंट के दाखले से शुरुआत करेंगे। और सारे सम मैं आपको बोर्ड पे लिखा के उसके वीडियो आपको अपलोड करूँगी, आपको वो लिंक, उसके बाद वीडियो अपलोड करने के बाद आपको लिंक शेयर करूँगी। लिंक शेयर करने के बाद आपको वो लिंक को ओपन करना है, वो वीडियो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको वो वीडियो एंड तक देखना है। उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको आंसर भी देने हैं। इसी तरह आपको रोज़ वीडियो देख के रोज़ आंसर देने हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि किसने किसने वीडियो ठीक से देखा है और किसने किसने पढ़ाई में इंटरेस्ट लिया है। और आपको जैसे अकाउंट में मैंने बताया, वैसे कंपलसरी आपको स्टेट में भी आपके हाथ में नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों रखनी है। नोटबुक भी आपके पास होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक भी आपके पास ही होनी चाहिए, और आपके पास कैलसी और पेन, ये दोनों चीज़ें भी कंपलसरी होनी चाहिए। आपके पास ये दोनों चीज़ें भी होनी ही चाहिए। टोटल 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, कैलसी और पेन। आपको इंशाल्लाह हम पूरा देने की बेस्ट ट्राई करेंगे। यहाँ पे सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं और इंशाल्लाह आपको अच्छे से पढ़ाने की ट्राई करेंगे। और इंशाल्लाह जो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमको पूछ सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आपको स्टेट और अकाउंट, जैसे मेरा सब्जेक्ट है स्टेट और अकाउंट, तो आपको कंपलसरी उसकी बुक लेके रखनी है, क्योंकि वो बुक में से ही हम पढ़ाई करेंगे। तो आपको कंपलसरी बुक लेके रखनी है, वो बुक में से पढ़ाई करके ही हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं मोस्टली बुक में से ही सारे सम कराती हूँ। कैलसी भी आपके हाथ में होना ही चाहिए, कैलसी चलाने की प्रैक्टिस भी आपको करनी है। फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करना है। मोस्टली सारी बातें हमने अकाउंट के पीरियड में कर ही ली थी। अभी हम लोग यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर है हमारा माहितीनु एकत्रीकरण। आई होप आप सबने बुक्स ले ली होगी, और अगर ना ली हुई है तो आप प्लीज़ अपनी बुक ले लें, बुक को खरीद लें। बुक खरीद के ही आपको अंदर से, बुक के अंदर देख के ही आपको सारे सब चैप्टर के नाम, चैप्टर के अंदर के टॉपिक सब तभी समझ आएगा, बिना बुक के आप समझ नहीं पाओगे। माहितीनु एकत्रीकरण, पहला चैप्टर हमारा थियरी चैप्टर है। स्टेटिस्टिक्स में हमारा पहला चैप्टर थियरी चैप्टर है, जो हमको पढ़ना है। अभी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। माहितीनु एकत्रीकरण, कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी मालूमात को इकट्ठा करना। मालूमात, स्टेट में क्या होता है,
कि जितनी भी हमारे पास मालूमात होती है उसको इकट्ठा किया जाता है, उसके ऊपर तफसील से तफसील की जाती है, उसके ऊपर तफसीलात की जाती है, उसको जूतबंदी मतलब जमात बनाई जाती है, अलग अलग जमात में उसको डिवाइड तकसीम किया जाता है, और उस तरह से फिर बाद में आगे दाखले होते हैं। ये सब धीरे धीरे आपको स्टेट में समझ में आएगा। धीरे धीरे इसके सारे फार्मूलाज यानी जाप्ते, अलग अलग तरह के जाप्ते होते हैं। हर चैप्टर में आपको जाप्ते भी बोर्ड पे लिखाए जाएंगे, वो सारे जाप्ते भी आपको याद करने हैं। जाप्ते याद करने के बाद आपको जो दाखले के अंदर कौन सा जाप्ता लगेगा वो आपको माइंड लगाना है, माइंड से अपने डिसाइड करना है कौन सा जाप्ता लगेगा, और उसी तरह से दाखले करने हैं। आंकड़ा शास्त्र, आंकड़ा शास्त्र के बारे में, स्टेटिस्टिक्स के बारे में आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं, जिसके अंदर आपको एक्स बार यानी मध्यक, एक्स बार मध्यक, फिर है तो मध्यस्थ, एम बहुलक, जेड के बारे में आप लोग पढ़े थे। अब इस चीज़ को तफसीलात में जानने के लिए हम 11वीं में सारे चैप्टर पढ़ेंगे। पहले आप बेसिक को सीख गए थे, मध्यक किसे कहते हैं, मध्यस्थ किसे कहते हैं, बहुलक किसे कहते हैं। मध्यक यानी बीच का नंबर होता है उसको मध्यक बोलते हैं, मध्यस्थ यानी सबसे ज़्यादा जो आंकड़े होते हैं उसको मध्यस्थ बोलते हैं, बहुलक, बहुलक एक ही चीज़ 2-3 बार रिपीट होती है उसको बहुलक। ये सारा आप कुछ 10th स्टैंडर्ड में सीख के आए हैं। अभी यहाँ पर आपको जो सीखने मिलेगा वो पहले मालूमात के बारे में होगा, सेकंड चैप्टर में उसके टेबल्स कोष्टक बनाने के बारे में होगा, और थर्ड चैप्टर से यहाँ पर जो जाप्ते लगेंगे मध्यक, मध्यस्थ और बहुलक के, वो स्टार्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे चैप्टर आपको समझ में आते जाएंगे। सबसे पहला चैप्टर यहाँ पर मालूमात को इकट्ठा करना, मालूमात यहाँ पर इकट्ठा करने का जो चैप्टर है वो थियरी चैप्टर है, जिसके बारे में तफसील से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ बेसिक चीज़ें क्या होती है जो आपको एग्ज़ाम में MCQ में आ सकती है। आंकड़ा शास्त्र, स्टेटिस्टिक्स वर्ड किसने दिया था, स्टेटिस्टिक वर्ड 1749 में जर्मन शब्द है स्टेटिस्टिक, जो गॉटफ्रीड एकेनवोले ने दिया था, गॉटफ्रीड एकेनवोले ने दिया था स्टेटिस्टिक वर्ड। और यहाँ पर लास्पियर, पासे, फीसर, ये कई सारे, कार्ल पियर्सन, ये कई सारे आंकड़ा शास्त्री स्टेटिस्टिक है, जिसने बहुत सारे जाप्ते दिए थे, और वो जाप्तों के हिसाब से स्टेट चलता है, मतलब वो जाप्ते हमारे दाखले में यूज़ होते हैं और वो जाप्तों के हिसाब से ही दाखले किए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मालूमात को इकट्ठा करने के बारे में तफसील से समझाया गया है। मालूमात, मालूमात किस तरह की होती है, मालूमात कई तरह की होती है, तादुद मालूमात, खसूसियाती मालूमात, तादुद मालूमात, खसूसियाती मालूमात, उसके अंदर भी होती है बुनियादी मालूमात, फहरिस्त मालूमात, प्राथमिक माहिती यानी गौण माहिती, संख्यात्मक माहिती यानी गुणात्मक माहिती। ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में डिटेल में समझाऊंगी। अभी मैं सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि किस तरह की माहिती और मालूमात किस तरह का आपको यहाँ पर बताया जाएगा। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास अभी बुक अवेलेबल नहीं होगी, इसीलिए मैं यहाँ पर आज चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड से हम चैप्टर स्टार्ट ज़रूर करेंगे। और प्लीज़ आप अपने पास बुक ज़रूर रखना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।